लौटेंगे आपके पास, इस पर जानकारी और भी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिलीप घोष पर हमले का पूरा मामला, इससे जुड़े एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल में रक्त का खेला चल रहा है, शिशिर बाजोरिया की ओर से कहा गया है। और हिंसा को लेकर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, ये बात भी उन्होंने कही है। ममता सरकार के इशारे पर ये हमले हो रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से बीजेपी साफ साफ और ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के इशारे पर ये हमले हो रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी तमाम विवादित बयान दे चुकी है, वोटर्स को भड़काते हुए सामने आ चुकी है, और उसके बाद जो ये हमले हो रहे हैं इसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला बोला है। इस हिसाब से कल हमारे प्रदेश के सभापति माननीय दिलीप घोष जी के ऊपर आक्रमण हुआ, और जो हमारे पास वीडियो आया उनके गाड़ी में उनके पीएसओ जो उठाया है, एकदम स्पष्ट देखा जा रहा है कि पुलिस मुख दर्शक है। और यही चीज हमें देखा गया था जब हम उस दिन काफिला में मैं भी था, जब हम डायमंड हार्बर गए थे हमारे राष्ट्रीय सभापति श्री नड्डा जी के काफिले में, पुलिस मुख दर्शक और चारों तरफ से पथराव हो रहा था। कल ये स्थिति थी कि हमारे प्रदेश के सभापति दिलीप दा को केवल चोट नहीं लग सकता था, बुरा चोट लगता था, चोट तो लगा, रात को जाके हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे कराया। और पुलिस देखिए, कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है, ये कोई केंद्र बल के हाथ में नहीं है, मगर वो मुख दर्शक हैं क्योंकि उनको बोला गया है कि ये मारेंगे। यही है जो ममता बनर्जी बार बार बोलती है, खेला हो गए। अरे भाई, चुनाव में क्या खेला, ये रक्त का खेला। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना में हिंसा की साजिश नाकाम की गई है। कालीपाड़ा इलाके में तालाब से क्रूड बम मिले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कालीपाड़ा इलाके में तालाब से क्रूड बम मिले हैं, थैलों में भरकर तालाब में छिपाए गए थे। बम चुनाव में हिंसा फैलाने की ये बड़ी साजिश यहां से बताई जा रही थी। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तालाब से एक के बाद एक करके ये तीसरा थैला है जिससे बम बरामद किए गए। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी साजिश यहां पर हिंसा फैलाने की थी लेकिन इसे नाकाम किया गया है। दक्षिण 24 परगना का पूरा वाक्य। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बंगाल में एंटी रोमियो वाले योगी के बयान पर भड़की टीएमसी, सीएम योगी उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे, टीएमसी की ओर से कहा गया है। यूपी में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, ये बात टीएमसी ने कही है। हाथरस की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीएमसी ने पलटवार किया है बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कल ही ये बात कही थी कि जब सरकार उनकी बन जाएगी बंगाल में तो फिर एंटी रोमियो स्क्वाड यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर पलटवार टीएमसी ने किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज ओन स्टेट, पर्टिकुलरली द एट्रोसिटीज अपॉन द वुमेन, द वे द एट्रोसिटीज अपॉन वुमेन आर बीइंग परपेचुएटेड इन वेरियस प्लेसेस इन यूपी, डे इन एंड डे आउट, राइट फ्रॉम हाथरस, बलरामपुर, बदायूं, Agra and many other places where the women are not only unsafe, they are being gang-raped and murdered very often. And the entire country, our entire country is concerned with that. In outside India also, the image of our country has been tarnished because of so much of atrocities upon women, particularly in Uttar Pradesh. Therefore, before counseling others, or doing anything for any other state, he should initiate all steps that he wants to initiate that should be done in UP only and nowhere else. चलिए सीधा कोलकाता का रुख करते हैं जहां से अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, अब टीएमसी को कुछ और नहीं मिला तो एंटी रोमियो वाले बयान पर योगी को घेर दिया है, बीजेपी को घेर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय में किस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं और उसको समर्थन लोगों का कितना मिला, ये किसी से छिपा नहीं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के उस मॉडल को जब बंगाल में लाने की बात कही जा रही है तो उसी को लेकर टीएमसी कैसे निशाना साध रही है वो हमने देखा, क्योंकि टीएमसी उन तमाम मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है जिन मुद्दों को दरअसल
पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता बहुत आसानी से समझती है। पिछला कुछ समय देखें, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यहां पर जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो लागू किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों की काट के लिए टीएमसी इस तरह की भाषा का, इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कारगर भी साबित हुआ है, लेकिन इन चीजों को लेकर, हाथरस वाले मामले को लेकर टीएमसी बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नाकाम रही है। हालांकि कई ऐसे दूसरे मौके रहे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ ने या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बताया भी है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने बदलाव बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में लाई है, और उन्हीं बदलावों को लेकर योगी आदित्यनाथ जब बंगाल पहुंचते तो टीएमसी की ओर से उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा। और श्वेता देखिए ना, अभी तीसरे चरण के चुनाव में ही किस तरीके से बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, ये क्या टीएमसी को नजर नहीं आता क्या? देखिए, केवल बीजेपी महिला कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के अगर आप वर्कर से बात करें, बीजेपी के नेता से बात करें, तो 130 से ज्यादा आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। इस बार की ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो इससे ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, और लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें जो है वो उठाई जा रही है। अगर पश्चिम बंगाल में कहें एंटी रोमियो स्क्वाड पर जो टिप्पणी की है टीएमसी ने, वजह इसके पीछे यही हो सकती है, क्योंकि देखिए यूपी में भी रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर और जिस तरीके से वहां पर गुंडों का खात्मा शुरू किया, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने यहां बयान दिया। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो यहां पर लड़कियां सेफ बताई जाती हैं टीएमसी की तरफ से, कि यहां ये पश्चिम बंगाल की धरती है और यहां हम महिलाओं को पूछते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें यहां ना करें। लेकिन जो हकीकत है वो यहां के लोग जान रहे हैं और उनको पता है कि उन्हें किसे चुनना है, इसीलिए हम बात। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, आप वहां से नजर बना के रखिए, कोई भी अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपको और अनुराग का रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब इसी के साथ नजर डालते हैं राज्य टॉप 10 पर।